दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार 24 में विवेक। बिहार में विधानसभा चुनाव होनी है यह निश्चित हो चुका है, लेकिन अब चुनाव ऐसी परिस्थिति में हो यह भी पार्टी के नेताओं ने विरोध किया। लेकिन चुनाव आयोग का कहना है कि चूंकि अक्टूबर में चुनाव कराना है, यह मेरी जिम्मेदारी है, मैं चुनाव कराऊंगा। पार्टी के नेताओं ने यह कहा कि अगर इस वक्त चुनाव कराया जाएगा तो कोरोना पीड़ितों का मामला और बाढ़ और वर्षा के कारण जो तबाही हुई है वह भी मामला सामने आवेगा और काफ़ी कठिनाइयों को लोगों को सामना करना पड़ेगा। तो बिहार में कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सी पार्टी हारेगी, किसकी क्या स्थिति रहेगी, यह मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। आप शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहें, और आपने अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन और सामने घंटी दबाकर फटाफट सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो मैं बता दूं आपको कि बिहार में इसी साल 2020 का चुनाव विधानसभा का होना है, और सरकार नीतीश कुमार की है और विपक्ष के नेता हैं तेजस्वी यादव, कांग्रेस, RLSP, VIP, हम सहित ओबीसी की पार्टी भी ताल ठोक रही है। तो अब इस स्थिति में जो कोरोना काल कहा जा रहा है, जिस प्रकार लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिस प्रकार अभी 65 लाख के करीब लोग बाढ़ से प्रभावित हैं और लोग खाने खाने के लिए तरस रहे हैं, घर डूब चुकी है, सरकारी कोई व्यवस्था नहीं रही और कोरोना में भी स्वास्थ्य की लचर व्यवस्था रही, इन सारे मुद्दों का सामना नीतीश कुमार को निश्चित करना होगा। जनता जवाब मांगेगी, चूंकि भ्रष्टाचार, आपदा विभाग का कुछ नहीं करना, स्वास्थ्य विभाग की चरमराती हालत, कोरोना काल में मर रहे लोग, बीमार हो रहे लोग, खाने के लोगों को लाले पड़े हुए, इसका जवाब नीतीश कुमार को देना होगा। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि जो चुनाव का समीकरण तैयार हो रहा है, जिस प्रकार तेजस्वी यादव ने जमीनी बनाई है धरती, जिस प्रकार जमीन में उन्होंने पैर गड़ाया है, जिस प्रकार लोगों के बीच मुखर होकर आए हैं सामने, जिस प्रकार उन्होंने सरकार का सामना करता रहा, और चाणक्य नीति रचने वाले अमित शाह जैसे को भी तेजस्वी ने धाराशाही किया, CBI, ED तरह तरह के मुकदमों को झेलते हुए उसने विपक्ष के नेता का पद को संभाला, और जिस तरह उन्होंने खड़ा रहने का काम किया जनता के मुद्दा को लेकर, इन सारे बातों को देखने से स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि भाजपा को 45 से 50 सीट, नीतीश कुमार को 50 से 55 सीट आनी है। चूंकि बहुमत से कोसों दूर ये लोग रहेंगे, RLSP की खटपट चल रही है, क्या होगी नहीं होगी कहा नहीं जा सकता। और अगर राष्ट्रीय जनता दल की आप बात करें तो 90 से 95 सीट पर राष्ट्रीय जनता दल जीतने के लिए अग्रसर है, साथ ही साथ कांग्रेस 30-32 सीट जीतेगी और सहयोगी पार्टी 5-10 सीट पर समेट जाएगी। ओबीसी ने भी ताल ठोका है, लेकिन ओबीसी के ताल ठोकने से बिहार को कोई फर्क नहीं पड़ने को है, क्योंकि बिहार में जो समीकरण है वह समीकरण अभी तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द घूमता दिख रहा है। नीतीश कुमार घिर चुके हैं बाढ़ के विभीषिका से, कोरोना के मार से, और नीतीश कुमार के शासनकाल में जिस प्रकार विपक्ष को दरकिनार किया गया, अब विपक्ष ने जिस प्रकार अपनी बात रखी और सरकार को आईना दिखाया, इससे जनता स्पष्ट रूप से समझ गई कि 15 साल का यह शासनकाल ढोंग का शासनकाल रहा, क्योंकि बाढ़ में किसी भी प्रकार की सामग्री उपलब्ध नहीं कराई गई, कोरोना होने से स्वास्थ्य विभाग की सारी पोल खुल गई, आपदा विभाग ने कुछ नहीं कर पाया और चारों ओर बाढ़ की विभीषिका है, लोग पुलिस के डंडे से परेशान हैं, लोगों को चालान काटा जाता है उससे भी परेशान है, सारी बातों को लोग इस चुनाव में याद करेंगे। बहरहाल आपको मैंने बता दिया कि जो सर्वे निकल कर सामने आया कि वर्तमान समय में
चुनाव आयोग चुनाव करा रही है और ऐसी परिस्थिति में तेजस्वी यादव का पलड़ा सबसे भारी नजर आ रहा। दूर दूर तक नीतीश कुमार की सरकार बनती नजर नहीं आ रही है। यही अभी वर्तमान समय के जनता के बीच की आवाज़ है जो हमने आप तक पहुंचाया। आप किस विधानसभा के हैं, आप अपनी विधानसभा के बारे में कमेंट बॉक्स में जाकर राय लिखें, लोगों का क्या राय है, मैं उसके मुताबिक और भी वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। और अपने दोस्तों यारों मित्रों को शेयर करें। जीत किसकी होगी यह अब जनता ने तय कर लिया। नीतीश की सरकार जानी तय है और तेजस्वी की सरकार आनी तय है। यह आवाम की आवाज़ है जो हमने अब तक पहुँचाया। धन्यवाद।